गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स अनदर इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिज्म विच इज प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट प्रोटीन. सो व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन वर्ड जो है इट वॉज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोटियोज विच मीन्स ऑफ द फर्स्ट रैंक. ओके, एंड द टर्म प्रोटीन वॉज कॉइंड बाय बर्जीलियस इन 1838 to show the importance of this class of substances found in plants and animals. Okay, and protein occupy a central position in architecture and functioning of living matter, as they function as enzymes. Protein function as enzymes, protein functions as hormones, and protein function as structural component. For example, हम लोग बात करें plasma membrane का भी 50% portion जो होता है this consists of structural protein, as well as जो है हमारा हम ये कह सकते हैं कि कौन से प्रोटीन्स जो है वो बने होंगे, जो कॉलेजन फाइबर्स हैं वो भी प्रोटीन से बने हुए रहते हैं. उसके अलावा हेयर है, वूल फाइबर्स हैं, दे आर ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स. ओके, तो प्रोटीन जो है वो बहुत ही सेंट्रल पोजीशन जो है ऑक्यूपाई करता है इन फंक्शनल आर्किटेक्चर ऑफ एनिमल्स एज वेल एज इन प्लांट्स. ओके, प्रोटीन जो है दे आर केमिकली कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसिड, है ना, और वी कैन से इट इज पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स. केमिकली प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स. केमिकली प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स. ओके, प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन्स जो है दे आर केमिकली पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स. ओके, जिस तरह से हमारा कार्बोहाइड्रेट जो था वो क्या था, वो किसका पॉलीमर था? ग्लूकोज का पॉलीमर था. सिमिलरली जो प्रोटीन है वो किसके पॉलीमर होंगे? कौन से मोनोमर बहुत सारे एक साथ जुड़ के पॉलीमर बनाएंगे प्रोटीन का? वो होंगे अमीनो एसिड्स के. ओके, सो फॉर दिस रीजन अमीनो एसिड्स आर रेफर्ड एज, फॉर दिस रीजन अमीनो एसिड्स आर रेफर्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स. ओके, यहां तक क्लियर हो गया? अमीनो एसिड्स जो है, बिकॉज प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, दैट्स व्हाई अमीनो एसिड्स आर रेफर्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन. इन्हें क्या कहेंगे हम लोग? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन भी कहेंगे. ओके, अब अपन बात करें अमीनो एसिड्स के बारे में, तो अमीनो एसिड्स जो होता है वो क्या होगा उसको डिस्कस करें. एनी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल विच हैज वन अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और वी कैन से वन एसिडिक ग्रुप, दे आर नोन एज अमीनो एसिड्स. ओके, व्हाट इज अमीनो एसिड्स? एनी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल which has an amino group, that means NH2 group hoga. Okay, which has one amino group and also has carboxylic group, or we can say acidic group, known as अमीनो एसिड्स. ओके, अमीनो एसिड्स क्या होंगे? एनी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल विच हैज अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दे आर नोन एज अमीनो एसिड्स. ओके, अब अमीनो एसिड्स जो है, देखिए जो बायोलॉजिकल सिस्टम है या यू कहेंगे जो लिविंग मैटर है, उसके अंदर अप्रोक्सीमेट जो है 300 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं. लेकिन उन 300 अमीनो एसिड्स में से ओनली 20 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन का पार्ट बन सकते हैं और जिनके लिए कोडोन प्रेजेंट होते हैं. ओके, ट्रिपलेट्स के फॉर्म में जिनके कोडोन प्रेजेंट होते हैं. सो जो ये 20 अमीनो एसिड्स हैं जिनके लिए कोडोन प्रेजेंट है एंड जो प्रोटीन का पार्ट बन सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स. तो ये बात भी लिख लीजिए आप लोग, ओवर 300 डिफरेंट टाइप ऑफ टाइप्स ऑफ
amino acids, only 20 amino acid can become part of proteins and they have codon. So they are known as standard amino acids. क्या कहलाएंगे ये? Standard amino acids. ओके, सो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स जो होंगे, या यूं कहें कि केमिकली जो है प्रोटीन्स, दे आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, और वी कैन से अमीनो एसिड्स आर रेफर्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन. 300 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें से ओनली 20 अमीनो एसिड्स कैन बिकम पार्ट ऑफ प्रोटीन एंड दे हैव कोडोन. सो दीज अमीनो एसिड्स, दीज 20 अमीनो एसिड्स आर नोन एज स्टैंडर्ड अमीनो एसिड. एंड व्हाट इज अमीनो एसिड? Any biological molecule which has one amino group and one carboxylic group, they are known as amino acids. Okay? So, अब हम draw करते हैं general structure of amino acid की. Amino acid chemically कैसे होंगे? तो हम लोग एक general structure बनाते हैं. General structure of amino acid. देखिए इस तरह से रहेगा. NH2. Okay? This is one amino group. And this is carboxylic group. जनरल स्ट्रक्चर किसकी है? ये जनरल स्ट्रक्चर अमीनो एसिड की जनरल स्ट्रक्चर होगी, जिसमें क्या दिखाई दे रहा है? एक अमाइनो ग्रुप दिखाई दे रहा है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिखाई दे रहा है. अब देखिए अमाइनो ग्रुप जो है वो इस कार्बन के कौन से साइड में प्रेजेंट है? लेफ्ट हैंड साइड में, या यू कहूं इधर से देखा जाए तो राइट हैंड साइड में है, और अगर ऐसे देखूं तो लेफ्ट हैंड साइड में है. तो क्योंकि ये जो अमाइनो ग्रुप है वो लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है, तो दीज टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स आर नोन एज एन फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स. क्या कहलाएंगे ये? एल फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स. जनरली सारे के सारे प्लांट्स और एनिमल्स, और यू कहें कि लिविंग मैटर्स जो होते हैं, उनके अंदर एल फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड पाए जाते हैं. शुगर कौन सा फॉर्म का पाया जाएगा? डी फॉर्म ऑफ शुगर. और अमीनो एसिड्स कौन से फॉर्म के पाए जाते हैं? एल फॉर्म ऑफ शुगर, एल फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स पाए जाएंगे. क्योंकि क्यों एल फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड पाया जाता है, डी फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि जो हमारे एंजाइम्स है, लेकिन ओनली रिकॉग्नाइज एल फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स. तो इसीलिए इवोल्यूशन के दौरान जो है वो एल फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड ही आगे बढ़ा, डी फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड आगे ही नहीं बढ़ा. क्लियर? तो सारे के सारे अमीनो एसिड जो होंगे वो किस तरह के होंगे? एल फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स होंगे. दूसरी बात, ये जो है ये कार्बन जो है क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन. तो ये अल्फा कार्बन पर ही अमाइनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, अल्फा कार्बन पर ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है. तो दैट्स व्हाई अमीनो एसिड्स आर आल्सो नोन एज अल्फा अमीनो एसिड्स. क्या कहलाएंगे ये? अल्फा अमीनो एसिड्स भी कहलाते हैं, बिकॉज बोथ अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच विथ अल्फा कार्बन, सो ऑल अमीनो एसिड्स आर नोन एज अल्फा अमीनो एसिड. सो ऑल अमीनो एसिड्स आर नोन एज अल्फा अमीनो एसिड. ओके, यहां तक क्लियर हो गया? ये जनरल स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड्स की. एक तरफ अमाइनो ग्रुप पाया जा रहा है, दूसरी तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जा रहा है. अमाइनो ग्रुप क्योंकि लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? एल फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड कहेंगे. और क्योंकि अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप अल्फा कार्बन पर ही जुड़े हुए हैं, दैट्स व्हाई दीस टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स आर नोन एज अल्फा अमाइनो एसिड. ओके, तो इस तरह से हम लोग इसको क्या कहेंगे? अल्फा अमाइनो एसिड कहेंगे. एक और चीज है, कभी भी अमीनो एसिड जो है वो इस फॉर्म में नहीं मिलता है, दे ऑलवेज फाउंड इन ज्विटर आयरन फॉर्म.
अमीनो एसिड्स दे ऑलवेज फाउंड इन ब्रिटर आयन फॉर्म, और ये जो आयनिक फॉर्म है इसका वो पीएच के हिसाब से बदलता रहता है। अमीनो एसिड टेंड टू रिमेन इन ब्रिटर आयन फॉर्म। कैसे होगा देखिए, आर एच सी ओ ओ नेगेटिव एंड एन एच थ्री पॉजिटिव, तो ये हमेशा इस फॉर्म में पाया जाएगा, जो हमने जनरल स्ट्रक्चर बनाई थी उस फॉर्म में नहीं पाया जाएगा। दैट मीन्स वन पॉजिटिव चार्ज एंड वन नेगेटिव चार्ज, तो ये वाली फॉर्म जो होगी वो क्या कहलाएगी, ब्रिटर आयन फॉर्म जो है वो कहलाती है। ओके, ये तो बात हुई जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में। इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स, ये हमारा हेडिंग है। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया कि एनिमल बॉडी जो है, या यूं कहें कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर 300 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। उनमें से ओनली 20 अमीनो एसिड हैव कोडोन एंड दे कैन बिकम पार्ट ऑफ प्रोटीन। ओके, तो वो जो 20 अमीनो एसिड्स है दे आर नोन एज स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। ओके, अब तो ये जो 20 अमीनो एसिड्स है उनमें से भी क्या होता है, मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं, यानी कि बैक्टीरियल सेल, और दूसरा यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्लांट्स और जो यीस्ट सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, दे कैन सिंथेसाइज ऑल रिक्वायर्ड अमीनो एसिड। दैट मींस वो जो 20 अमीनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन का पार्ट बनते हैं उनको वो सिंथेसाइज कर सकती हैं। तो उनके लिए क्या होगा, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर वो बायोलॉजिकल पाथवे प्रेजेंट है जिसके द्वारा उन अमीनो एसिड को बायोसिंथेसाइज किया जा सके। तो ऐसे अमीनो एसिड्स जो कि बॉडी के अंदर सिंथेसाइज किए जा सकते हैं दे आर नोन एज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, बिकॉज हमें उनको डायट्री सोर्सेज पे, उनके लिए डायट्री सोर्सेज पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। जबकि अगर मैं बात करूं हायर एनिमल्स की, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग की, तो हम जो है वो 20 अमीनो एसिड्स में से ओनली 10 अमीनो एसिड्स जो है वो खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। बाकी जो 10 अमीनो एसिड्स हैं उनके जो बायोलॉजिकल पाथवे थे, दैट मींस बायोसिंथेटिक पाथवे जो थे, वो हमने इवोल्यूशन के दौरान खो दिए। क्यों खो दिए, क्योंकि हमें जो ये 10 अमीनो एसिड्स हैं जो कि हम सिंथेसाइज नहीं कर पा रहे हैं वो हम उनकी रिक्वायरमेंट कहाँ से फुलफिल कर लेते हैं, डाइट्री सोर्सेज से। जो हम खाना खा रहे हैं उसमें से वो डाइट्री के अंदर यानी न्यूट्रिशन के अंदर उनका अमाउंट जो है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा हो जाता है। तो हम उन पाथवे को क्यों कैरी करें, हम उतने सारे एंजाइम्स को क्यों कैरी करें, तो इसीलिए हमने क्या किया, इवोल्यूशन के दौरान उन स्पेसिफिक पाथवेज को खो दिए जो कि हमें ऑलरेडी प्रीफॉर्म मिल रहे हैं अमीनो एसिड्स। ओके, तो हम जो है वो 10 अमीनो एसिड्स हम खुद सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन 10 अमीनो एसिड्स के लिए हमें डिपेंड करना पड़ता है किसके ऊपर, अपनी डाइट पे डिपेंड करना पड़ता है। ओके, तो ऐसे अमीनो एसिड जो कि प्रीफॉर्म्ड हैं और हमें कहां से मिल रहे हैं, डाइट्री रिसोर्सेज से मिल रहे हैं, दे आर नोन एज एसेंशियल अमीनो एसिड्स। जबकि दूसरे प्रकार के अमीनो एसिड्स जो कि हम खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, है ना, सिंथेसाइज बाय द एनिमल बॉडी इटसेल्फ, तो वो क्या कहलाएंगे, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एक बार डेफिनेशन और लिख लेते हैं। Amino acids that cannot be synthesized, by synthesized by the animal body and they are needed for normal functioning of animal
animal's body, they are known as essential, nutritionally essential amino acids. Nutritionally essential अमीनो एसिड, ओके, यानी वह अमीनो एसिड जो कि हम सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं लेकिन वो हमारे लिए बहुत जरूरी है ना। तो ऐसे अमीनो एसिड क्या कहलाएंगे? न्यूट्रिशनली इसेंशियल अमीनो एसिड कहलाएंगे। जबकि दो अमीनो एसिड दैट कैन बी सिंथेसाइज फ्रॉम दोज अमीनो एसिड दैट कैन बी सिंथेसाइज फ्रॉम एंथ्रोपोलिक इंटरमीडिएट्स आर डेजिग्नेटेड एज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ओके, सिंपल आप इस तरह से समझिए कि जो अमीनो एसिड को हम हमारी बॉडी में सिंथेसाइज कर पाते हैं वो क्या कहलाएंगे? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। और जो अमीनो एसिड हम हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं और उनको फुलफिल करने के लिए हमें किस पे डिपेंड करना पड़ता है? डाइट्री रिसोर्सेज पे डिपेंड करना पड़ता है, तो वो क्या कहलाएंगे? न्यूट्रिशनली इसेंशियल अमीनो एसिड। दैट मीन्स अगर हम उनको नहीं लेंगे हमारी डाइट के अंदर, अगर वो अमीनो एसिड नहीं प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा? जो यंग वन है उसकी ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगा और कई बार तो जो है वो डेथ का कॉज भी बन सकता है। क्लियर? तो ये इसीलिए इसे क्या कहा गया है? इसेंशियल अमीनो एसिड। दैट मीन्स बहुत जरूरी है ये, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं कौन से अमीनो एसिड जो है वो हमारे लिए इसेंशियल है और कौन से अमीनो एसिड जो है वो हमारे लिए नॉन इसेंशियल है। तो एक बार 20 में से 10 अमीनो एसिड जो होंगे वो इसेंशियल होंगे और बाकी जो होंगे वो नॉन इसेंशियल होंगे। तो यहां हम लोग लिख लेते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड और यहां लिख लेते हैं हम लोग नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। ओके, तो नाम देखिए कौन कौन से हैं? आर्जिनिन, सेकेंड हो जाएगा हिस्टिडीन, थर्ड आइसोल्यूसीन, ल्यूसीन, लाइसीन, मिथियोनीन, फिनाइल एलानिन, थ्रियोनीन, ट्रिप्टोफैन एंड लास्ट वन इज वैलीन। ये क्या है? एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के अंदर देखिए आप एलेनिन, एस्पारजीन, थर्ड इज एस्पार्टिक एसिड, फोर्थ इज सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, ग्लाइसीन, प्रोलीन, सीरीन और टायरोसिन। ओके, तो ये वाले जो 10 है एसेंशियल है, दैट मीन्स हमें डाइट से इनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना जरूरी है। कौन कौन से हैं? आर्जिनिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसीन, ल्यूसीन, लाइसीन, मिथियोनीन, फिनाइल एलानिन, थ्रियोनीन, ट्रिप्टोफैन एंड वैलिन। ओके, और नॉन एसेंशियल दैट मीन्स इनके जो बायोसिंथेटिक पाथवे है वो हमारे पास है तो हमें जरूरी नहीं है इनके लिए डिपेंड करना न्यूट्रिशन के ऊपर, डाइट के ऊपर। तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से हैं? एलेनिन हो गया, एस्पारजीन हो गया, एस्पार्टिक एसिड हो गया,
cysteine, glutamic acid, glutamine, glycine, proline, serine and tyrosine. Okay? So, ये सारा का सारा हुआ आपका प्रोटीन का इंट्रोडक्शन, अमीनो एसिड का इंट्रोडक्शन और साथ के साथ इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स. ओके, दैट्स ऑल अबाउट फॉर नाउ. थैंक यू सो मच.